Soldier, soldier, apna royal soldier. ओके गाइस, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि घर में आप किस तरीके से सबसे बेस्ट तरीके से अपने डॉग को बात करा सकते हैं. नहलाना डॉग को एक कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है डॉग को बात कराने से पहले. तो सबसे पहले दो तरीके होते हैं आपका, या तो डॉग बहुत ज़्यादा चंचल है, वो जो है नहाते हुए गाँव भागेगा, आप उसका पट्टा खोल नहीं सकते, आपको बांधना पड़ेगा, या फिर ऐसा आपके कमांड का डॉग है जो आपकी कमांड पर काम करे, तो सबसे पहले आप उसका कॉलर उतार दीजिए ताकि जब आपके शैम्पू लगाएं और बॉडी साफ करें तो ढंग से जो है वो क्लीन हो जाए. कॉस्मो जी, और डेटॉल लेके आओ, डेटॉल लेके आओ, चलो नाक नहाना है, लेके आओ, गुड बॉय. ओके गाइस, अब डेटॉल को जो है इस पानी में डालना है हमको, थोड़ा सा जो है हमने डेटॉल इसमें डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल जो वाइट सा आपको दिखे कि हाँ अच्छे से हो गया है. अभी क्या है, एंटी फंगल का काम करेगा, जो भी बॉडी में बैक्टीरिया फंगल्स होंगे, छोटे मोटे स्किन में जो होगा इसका कुछ प्रॉब्लम, वो सारे ऐसे धुल जाएगा शैम्पू से पहले, बहुत अच्छा काम हो जाएगा. उसके अलावा एक आप देख सकते हैं कंघी मैंने रखी हुई है, ड्यूअल साइड है ये, सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों तरफ से. ये कॉटन रोल एक रखा हुआ है ऐसे कान और पॉज को साफ करने के लिए, और ढंग से जो है इसकी बॉडी को क्लीन करने के लिए मैं बताऊँगा कहाँ से क्या यूज़ करना है. लाने से पहले हम कान साफ करेंगे. कान आप देख रहे हैं अभी कितना गंदा है, देख सकते हैं, बहुत कॉमन है. डॉग जब भागता है, एक्सरसाइज करता है, तो कान उसे गंदे हो जाते हैं. यहाँ से भी दिखाओ, ये देखिए कि कान अच्छी तरह से बहुत गंदे हो गए हैं. तो सेफ्टी के लिए आपने पहले क्या किया, ग्लव्स पहन लिया है ताकि आपकी भी हाइजीन मेंटेन रहे. ये देखो इसको, अब यहाँ पर आप शुद्ध नारियल का तेल लेंगे थोड़ा सा, जिसमें आप एक नींबू का रस निचोड़ेंगे ताकि पूरा जम्स बैक्टीरिया फंगल जो है साफ हो जाए, जिसको आप कानों में और डॉग के पॉव्स में यूज़ करने वाले हैं. अच्छे से डीप क्लीन करना है, ठीक से फिंगर में रोल लगा के अंदर तक. वाह क्या मजा आ रहा है ऐसे, हाँ हाँ हाँ. अब प्लीज कान देखिए आप एक बार, डिफरेंस ये दिखाना एक बार. अब आप कान देख सकते हैं पहले में और अब में कितना डिफरेंस है, देख पा रहे हैं आप, एकदम क्लीन हो गया, एकदम क्लीन, एकदम स्मूथ. इससे ये भी अच्छा फील करेगा, ये साइड स्पीक कर दीजिए. अगर आपके पास एक एथलेटिक ब्रीड का डॉग है जो जिसे आप डेली वर्कआउट कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, रनिंग कराते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा उसके जो पंजे नीचे से पॉव्स थोड़े थोड़े से फटने लगते हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए उसकी रेगुलर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सॉफ्ट रहे, वेल हाइजीन रहे और लाइफ टाइम तक जो है उसके पंजे उखड़े ना और आपका डॉग जो है हमेशा हेल्दी फील करे. तो रेगुलर आपको जो है उसके पॉव्स की, चारों पैरों की जो है ढंग से तेल मालिश करनी है, तेल लगाना है, जो आपको मैंने बताया नारियल तेल या सरसों के तेल से आप कर सकते हो. इट्स रियली गुड फॉर द हेल्थ. तो वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहें. आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि डॉग को नहलाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो कभी बीमार ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना आए. नहाने के लिए रेडी हो जाओ, जाके मग लेके आओ, गो फास्ट. थैंक यू. ओके, तो अभी जो हम डेटॉल वाला पानी यूज करने वाले हैं इसकी बॉडी पे, धीरे धीरे डालेंगे ताकि पानी वेस्ट ना हो, उसके स्किन में जाए, बिल्कुल धीरे धीरे. ये अभी जो है बॉडी में शैम्पू लगाने का तरीका, यहाँ से स्टार्ट किया, ये लेके आए पूरा टेल तक आप ले गए, ये फिर एक बार साइड्स में, ये बीच में. पानी लेने के बाद जो है शैम्पू को ठीक से मसल देंगे ताकि स्किन में अच्छे से साफ कर दे वो. छत के किसी कोने में, छोटे कोने में ही बात करें ताकि हम भागे ना वो. ये फाड़ चुका है, इसको मैं उतार ही देता हूँ यार. ये शैम्पू स्पेशली डॉग्स के लिए आता है, उसी को यूज़ करेंगे गाइस. देखिए अगर कान लंबे हैं ना डॉग के, तो उसको यूँ रखे नीचे, फिर पानी डालिए ताकि कान में ना जाए. अब अपने पेट को आपने नहला तो दिया, शैम्पू लगा दिया, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि उसकी बॉडी से जो है बहुत अच्छे ढंग से पूरा सोप या शैम्पू जो भी है निकल जाए, वरना वो रह गया तो उसमें जो है वो स्मेल या इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है स्किन के अंदर. और हमेशा प्रेफर करता हूँ मैं पर्सनली कि टॉवल यूज़ नहीं करता, उससे बाल झड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो गाइस, सबसे पहले 15,000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए इतना जल्दी आप सभी का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. गाइस, हमेशा मैं आपको यूनिक वीडियोज़ देखता हूँ, अलग भीड़ से अलग हट के जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता हूँ, जिससे कि डेफिनेटली आपकी नॉलेज गेन होती होगी. और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी राय देते रहें ताकि हर किसी को एक दूसरे की नॉलेज मिलती रहे.
गाइज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि डॉग्स को नहलाने से पहले और नहलाने के बाद किन किन प्रकॉशंस का ध्यान रखना है ताकि आपका डॉग बीमार ना हो और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फीमेल डॉग अगर आपके पास है और उसने रिसेंटली कंसीव किया है तो उसको कंसीव और प्रेगनेंसी के दौरान ना नहलाएं, क्योंकि उसे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं बॉडी रब होने से, ठंड लगने से। और गाइज अगर फीमेल ने आपकी बच्चे दे दिए हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि एटलीस्ट उसको 45 डेज तक बिल्कुल भी नहलाएं ना, स्नान ना कराएं, क्योंकि उससे जो है अगर वो बीमार पड़ गई तो उसके बच्चों पे बुरा असर पड़ सकता है, उसकी फीडिंग से जो है बच्चे कमज़ोर हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। और गाइज जब आपके पास पप्स आते हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि उनको भी आप एटलीस्ट 80-90 डेज तक ना नहलाएं ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन रहे, वो बीमार ना हो और मॉम एंड पप दोनों ही हेल्दी रहें। आपके पास जो भी डॉग है प्लीज़ मेक श्योर कि खाना खिलाने के तुरंत बाद उसको ना नहलाएं, और अगर वो लेज़ी फील कर रहा है तो भी उसको नहलाने के लिए ना लेके जाएं, हो सकता है बीमार पड़ जाए। तो डॉग की हेल्थ इंश्योर कर लें कि कोई बीमार ना हो, चोट ना हो, कोई घाव ना हो, या तो इस केस में उसको बिल्कुल भी नहलाने की कोशिश ना करें वरना मामला और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। योर डॉग मे गेट सिक बैडली इफ़ यू आर टेकिंग हिम और हर फॉर बाथ इन केस ऑफ इलनेस। Hey guys, if you have more than one pet, whether it's a dog or cat or any other animal, please make sure don't take them together for bath. अब बात करते हैं कि डॉग को नहलाने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं। What are the precautions after the bath? अगर आपके पास एक बड़ी ब्रीड का डॉग है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको नहाने के बाद बच्चों के साथ ना छोड़ें, वो भागते उनको टक्कर मार के इंजर्ड भी कर सकते हैं। ये जय वीरू की जोड़ी डॉग को नहलाने के बाद गाड़ी में लेके ना जाएं, उससे जो है उसको ठंड लग सकती है और सीरियस क्रिटिकली इल हो सकता है। तो जय वीरू शोले में अच्छे लगते हैं गाइज, रियल में डॉग के साथ नहीं। ओके गाइज, अगर आपके पास एक एथलेटिक ब्रीड का डॉग है, काफ़ी एनर्जेटिक और अच्छी बिल्ड का डॉग है, तो उसको नहाने के बाद जो है चेन में रस्सी से बांध के घुमाने की कोशिश ना करें, वो झटके से आपको खींच सकता है, इंजर्ड कर सकता है, क्योंकि नहाने के बाद उनमें जो है बहुत चुस्ती स्फूर्ति आ जाती है और वो हमेशा भागना चाहते हैं, एक जगह रहना नहीं चाहते बंद के। एक्टिव डॉग्स हमेशा नहाने के बाद ही हम भागना चाहते हैं, एक जगह बैठना नहीं चाहते, हो सकता है आपके बेडरूम में जाके वो रब कर दें पूरे बेड पे आपकी बॉडी को, तो आप अपने डोर को जो है बेडरूम से क्लोज कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर चढ़ के ना जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा अनहाइजीनिक भी लग सकता है। तो प्लीज़ केयर योर डॉग गाइज। और एक बात और, गर्मियों में जब नहलाएं डॉग को तो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ और 45 डेज में एक बार नहलाएं, और सर्दियों में 2-3 महीने के गैप पे नहलाएं, ज़्यादा नहलाना जो है डॉग की स्किन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बारिश के दिनों में डॉग को नहलाना अवॉइड करें क्योंकि बॉडी सूखती नहीं है, और हो सके तो अच्छी धूप जब निकली हो तभी डॉग को नहलाएं। तो गाइज एक बात तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि डेफिनेटली आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, जिस सिंपलिसिटी के साथ और जिस मन से दिल से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने ही पेट्स को प्यार नहीं करता, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के पेट्स को भी बहुत प्यार करता हूँ, भले उनसे कभी ना मिला हूँ पर मैं हमेशा विश करता हूँ वो हमेशा हेल्दी रहें। तो वीडियोस को लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें, और मेरे आरी वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ डिसअपॉइंट ना हो गाइज, आपके लिए भी जल्द वीडियोस लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को ऐसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों के साथ। ये देखिए कॉस्मो ने कुछ इस तरीके से मेरे ग्लव्स को फाड़ दिया था यार नहलाते वक्त, आप सोच रहे होंगे फटे ग्लव से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइज ये था उसका असलियत, बड़ा शरारती हो गया आजकल। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं द रॉयल सोल्जर, यूट्यूब पे आप जानते हैं रॉयल सोल्जर के नाम से चैनल है। तो प्लीज़ स्प्रेड पॉजिटिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम, टेक केयर गाइज, गुड बाय।